Hey guys, good morning, welcome to my YouTube और आज मैं आया हूँ दंतक वन आश्रम में। ये आश्रम है एक, तो देव बोल रहा था बहुत अच्छा है, तो देखिए जाते हैं। मैं देव और गुरु आए हैं तीनों, और इसमें बहुत सारे संतों की मूर्तियाँ लगी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस देख सकते हो कितना विशाल मंदिर बनाया हुआ है। आश्रम है वैसे, एक्चुअली मंदिर तो क्या है, पर फिर भी सब संतों यहाँ पे, सारे संतों की किताबें लगी, लाइब्रेरी बनाई हुई है फुली। और एक्चुअली रात को हम आए थे यहाँ पे, बट 6 बजे बंद हो गया था, तो सुबह जल्दी आके यहाँ पे शूट कर रहे हैं। यहाँ पे चप्पल उतार देते हैं, शायद अंदर जाने नहीं देंगे, चप्पल ले जाएंगे तो नहीं देखो यहाँ से। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, वो वहाँ पे मेन द्वार है, देव बता रहा है। रात को यहाँ पे अच्छी लाइटिंग होती है, बट रात को शायद 6 बजे बंद होने लगे। मैं यहाँ पे हर जगह पहले भी आ चुका हूँ, बट पिछली बार देव और हम आए थे तब तो लाइटिंग चल रही थी, लेकिन इस बार तो 6 बजे बंद कर दिया था। कोई नहीं है, सुबह सुबह आए हम तो, 11 बज रहे हैं। ये मेन मंदिर है, ये मेन महाराज का मंदिर है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। गाइस देख सकते हो कितना ठंडा लग रहा है इतनी गर्मी में भी, एकदम ठंड, एकदम जैसे ताजमहल जैसा लग रहा है। हर चीज़ एकदम ऐसी बनाई हुई है इन्होंने, पीछे पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ है, और जो इतना ठंडा लग रहा है सच में, जैसे ठंड के मौसम में लगता है ना वैसा ठंडा लग रहा है। आप देख सकते हो पीछे पूरा जंगल है, और पूरे मंदिर में कोई है ही नहीं, हम ही हैं तीनों। पूरे मंदिर में कोई नहीं, हम तीनों ही हैं सिर्फ। एक्चुअली यहाँ पे क्या, इधर देखो, इधर मतलब सिर्फ देखने के लिए ऊपर का कार्विंग वगैरह। अच्छा ऊपर से ये देखिए गाइस, इधर पूरा बैठने का वगैरह, एक सेकंड इधर से लिखा गया था, ये देखो पूरा इतना। यहाँ पे भजन संध्या होती है रात को। गाइस देखिए पूरा कैसा बनाया हुआ है एकदम से। यहाँ ऊपर भी जाने का रास्ता है, देव बता रहे उधर से चले देव। ये शायद जेनियो का है ना, तो यूपी वादर से कुछ मतलब स्पेसिफिक कुछ कोई कम्युनिटी है उनका, देखो एक्चुअली मुझे पता नहीं है, तो उन कम्युनिटी का है, बट बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हर कोई आ सकता है, ऐसे कम्युनिटी बेस कुछ भी नहीं है, पर हर कोई आ सकता है यहाँ पे। गाइस ऊपर चलते हैं, देखते हैं गुरु धीरे। ऊपर धूप पड़ रही फिर भी ये पूरा ठंडा लग रहा है। देखिए ये मंदिर, और हर जगह एक अलग महाराज जी की फोटो लगाई हुई है। ये देखिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे, तो मेरा फेवरेट वर्ड वो है शांति, वो मिल रही है मुझे यहाँ पे शांति। कोई अगर पढ़ाई करना चाहे ना यहाँ पे आके, तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करना, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरी सिक्योरिटी की हुई है हर तरह से, ताकि कोई चिड़िया वगैरह भी नहीं जाए। दूर दूर तक देखिए फैला हुआ है ये पूरा आश्रम। गाइस पूरा मंदिर वाइट और ये रेड कलर की टाइल्स में बनाया हुआ है, एकदम विहंगम दृश्य। विहंगम दृश्य, इतना कूल लग रहा है। और पता है नीचे और भी अच्छा है, नीचे अच्छा इसलिए कि पूरा तलघर में बनाया हुआ है, और पिछली बार हमने जब आया था ना, देव बोल रहा था नीचे पूरा में पानी भर गया था, क्योंकि आसपास में मतलब कि जंगली एरिया है और पहाड़ है, तो पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है ना, तो वो कोई नहीं है पूरे आश्रम के अंदर। एक्चुअली सुबह सुबह आ गए हम, तो देखो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है पूरा, आर्टिफिशियल झरना बनाया हुआ है। अब ये यहाँ से ना, ये यहाँ से एंटर हो गए हम, इस गुफा के अंदर जाएंगे, उसके अंदर नीचे बहुत सारे संत महात्माओं की मूर्तियाँ लगी हुई है, तो चलते हैं नीचे। गाइस अब हम गुफा में जा रहे हैं नीचे, वहाँ पर अलग अलग संतों की मूर्तियाँ लगाई हुई है, तो गुफा का रास्ता दिखाऊंगा आपको। ये रही गुफा गाइस, इस गुफा के अंदर हम जाएंगे, यहाँ फोटो खींचना बना रहे हैं, फिर भी हम खींच रहे हैं, लोग बना रहे हैं। ये देखिए पानी भर गया था यहाँ पे पिछली बार, तो जब हम आए थे ठंडा बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत
क्योंकि एक्चुअली क्या आसपास में पहाड़ जंगल इस साइड में है, किस साइड में, इस साइड ये देखिए सर्ववेद लिखते हुए सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज की जय। कितना अच्छा बनाया हुआ है एकदम से, वो ये आर्टिफिशियल पेड़ भी लगाया हुआ है और आम का पेड़ है और आर्टिफिशियल आम भी लग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। चलो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे बहुत सारे बनाए हुए आगे। ये एक और गुफा, यहाँ पे भी किसी न किसी संत महात्मा की मूर्ति लगी हुई होगी। ये भी सदाफल देव जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे भी। पत्थरों का बना हुआ पूरा ओरिजिनल, ये किसका बना हुआ है? पत्थर, ये पूरा पत्थरों का बना हुआ है, ये ओरिजिनल पत्थर है, ये ऐसे बनाया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल पत्थर है, बस इसके ऊपर सीमेंट की लेप किया हुआ है। गाइस आप देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल पत्थर है, एकदम गुफा का रूप दिया है इसको। चले आगे चले, हाँ पहले के संत तो गुफा में रहते थे, पर अच्छा बनाया हुआ है। स्लिप नहीं हो जाए इसलिए। सदगुरु सदगुरु कबीर साहेब जी देख रहे हैं, हर लोग यहाँ पे जब भी आते हैं कुछ इनका स्पेशली दिन होता है ना, उस दिन ध्यान करने यहीं पे आके बैठते हैं सब। हर चीज व्हाइट कलर में बनाई हुई है, व्हाइट कलर दिया हुआ या फिर रेड कलर की टाइल्स लगाई हुई है। अब किधर चले, इधर बस खत्म, दूसरी गुफा से बाहर निकलेंगे। अब हम ये गुफा हो गई एंड, उधर से घुसे और इधर से निकलेंगे हम। वो सामने जिससे हम घुसे थे और ये सामने, उसके से सामने से हम निकले। और गाइस आप देख सकते हैं बाहर कितना स्पेस में इसको फैला के एडिटिंग की हुई है, इतनी शानदार वाली। रात को ये फाउंटेन बहुत अच्छा लगता है, पर हम आए भी थे रात को दिखाने के लिए बट 6 बजे बंद हो गया था। गाइस इस साइड में गार्डन है जिसको हम दिखाएंगे, और शांति ढूंढना चाहो ना तो हर जगह मिल जाती है, कहीं पे भी आप जाके बैठ सकते हो, इतनी सारी जगह होती है। गार्डन उधर है क्या कुछ, यहाँ से गार्डन स्टार्ट हो रहा है, मुझे लगा यही गार्डन। पीछे तो लोगों का घर आ गया, पर मेरा गार्डन आप देख लो, ये मेन गार्डन, ये दूसरा है उसके रास्ता निकल रहा है। दोस्तों आश्रम में हम घूम चुके हैं, यहाँ पे कोई लोग तो नहीं थे लेकिन आश्रम बहुत ज़्यादा ठंडा था, और अब हम जाते हैं उधर से और निकलते हैं, फिर रास्ते में कहीं नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर घर जाएंगे। तो चलिए नाश्ता करते हैं। दोस्तों घर पे आ गए, नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब लोग को करते हैं यहीं पर एंड। आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलो बाय।